जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश शर्मा, आरजे वेंटी में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आप लोग के सामने एक वार्डरोब का अच्छा सा डिज़ाइन लेके आया हूँ जो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों, और एक स्टडी टेबल का डिज़ाइन भी लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, इसको हम कैसे बनाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी साइज़ क्या है। तो दोस्तों ये हमारा जो कपबोर्ड है उसका चौड़ाई दोस्तों 10 फीट का है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका चौड़ाई 10 फीट है और हाइट इसका दोस्तों 7 फीट का है दोस्तों। और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये 3 फीट का लॉफ्ट है दोस्तों। और इसके बगल में आप लोग देख सकते हैं स्टडी टेबल है दोस्तों। ये हमारा स्टडी टेबल, ये इसका चौड़ाई दोस्तों 5 फीट का है और इसका हाइट दोस्तों हाइट 30 इंच का है और इसका जो डीप है दोस्तों 22 इंच का है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर में जो ये स्पेस छोड़े हुए हैं दोस्तों ये 30 इंच है और ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं दोनों तरफ 15 15 इंच का दो बॉक्स बनाए हुए हैं, जिसमें देख सकते हैं आप लोग ऊपर एक ड्रॉर है और नीचे एक डोर है, देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड सेम है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। टॉप पे 12 mm का ग्लास लगाए हुए हैं देख सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर माइका में स्क्रैच नहीं आएगा, इसके लिए हम 12 mm का ग्लास लगाए हुए हैं उस ऊपर टॉप पे। और चलिए कबोर्ड के अंदर हम देख लेते हैं अंदर डिजाइन कैसे किए हुए दोस्तों। तो अंदर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ऊपर एक हैंगर लगाए हैं दोस्तों, यहाँ से 42 इंच इसका स्पेस है दोस्तों, इसके ऊपर हम एक हैंगर लगाए हुए देख सकते हैं आप लोग। और नीचे दो ड्रॉर है जो 6 6 इंच का है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे एक सेल्फ दिए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। चलिए बगल में देख लेते हैं, इसके 3 भाग में बॉक्स बनाए हुए हैं दोस्तों और इसमें देख सकते हैं आप लोग इसमें हम 4 सेल्फ दिए हुए हैं कोयले का दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये कपड़ा स्टोरेज के लिए है दोस्तों। और अंदर पूरा व्हाइट माइका फिनिशिंग किए हुए हैं दोस्तों, और एज पे भी देख सकते हैं आप लोग व्हाइट माइका का पूरा फिनिशिंग क्यों है अंदर। 0.8 mm का टोटल ई एम आई का यूज किया है दोस्तों इसके अंदर। और चलिए इसके बगल में बगल वाले बॉक्स में देख लेते हैं, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ऊपर 2 सेल्फ दिए हैं दोस्तों और नीचे दो दो ड्रॉर है 6 6 इंच का हमारा, देख सकते हैं आप लोग। और नीचे एक सेल्फ दिए देख सकते हैं इसका डिजाइन। जिसका फुल व्यू आप लोग दोस्त देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो हम बाहर जो माइका लगाए हुए हैं दोस्तों 1 mm का माइका लगाए हुए हैं दोस्तों, आप लोग कलर देख सकते हैं 2 कलर का कम्बिनेशन है दोस्तों। और ये डिजाइन का जो डिजाइन कैसे लगाए हैं चलिए कितना कितना साइज है वो भी बता देते हैं दोस्तों। तो ये कबोर्ड में आप लोग देख सकते हैं जो वाइट लगाए हैं दोस्तों, ये 7 इंच का पट्टा लगाए हैं वाइट का पूरा ऊपर में देख सकते हैं आप लोग। और उसके नीचे हम डार्क माइका लगाए हुए हैं और उसके नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये 3 इंच का वाइट पट्टी है और उसके नीचे फिर डार्क 3 इंच का पट्टा है और उसके जो नीचे व्हाइट वाला है ये 10 इंच का पट्टा है दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं।
और लॉफ्ट में हम पूरा फुल वाइट यूज किए हुए हैं दोस्तों। जो लॉफ्ट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो हंडील हम यूज किए हैं ये 6 इंच का हंडील है दोस्तों, और ये लूअर लगाए हुए हैं स्टील का। इसके लिए क्या इससे फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों ये हमारा जो अंदर बास नहीं मारता है, अंदर का जो एयर है वो बाहर निकल जाता है। और कबोर्ड में आप लोग देख सकते हैं ये हम 18 इंच का हंडील लगाए हुए हैं, ये एलुमिनियम फिनिशिंग है दोस्तों। और देख सकते हैं सभी में लॉक लगाए हुए दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।